गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको क्लास फिफ्थ का लेसन पास्ट फैमिली एंड रिलेशंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। लेसन का इससे रिवीजन भी होगा, ठीक है, इससे रिवीजन भी आपका चलेगा। पहला है आपका फैमिली। फैमिली क्या होता है? परिवार, हिंदी में किसे क्या बोलते हैं? इसे परिवार, ठीक है। और रिलेशन का मतलब क्या होता है? आपस में एक दूसरे का संबंध क्या है, ठीक है। पहला है हमारा फैमिली। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर। मतलब फैमिली क्या होती है? ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह होता है जो आपस में उनका कोई ना कोई संबंध होता है, एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध होता है, वही हमारी क्या कहलाती है? फैमिली कहलाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ फैमिली। फैमिली के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली फैमिली के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा होता है ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को हम हिंदी में बोलते हैं एकल परिवार। इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली में? इसमें हमारे पेरेंट्स हम ही रहेंगे, हम और हमारे पेरेंट्स रहेंगे बस। मतलब इफ फैमिली दैट हैव चिल्ड्रन, वन और टू चिल्ड्रन एंड हर देयर पेरेंट्स, द फैमिली दैट हैव पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन, मतलब जिसमें केवल पेरेंट्स हो, मतलब माँ बाप हो, और हमारे और हम हो, मतलब उनके दो तीन दो एक दो बच्चे हों, वही हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है, एकल परिवार, जिसमें केवल एक ही फैमिली हो, मम्मी पापा और बच्चे, ठीक है। फिर हमारा ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली मतलब संयुक्त से ही हमारा पता चल रहा है, मतलब सब लोग एक साथ। संयुक्त में हमारे कैसे आ जाते हैं? सब लोग एक साथ, मतलब जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल अंटीज, मतलब चाचा चाची ताऊ ताई, ठीक है, अंकल अंटीज, ठीक है, और बुआ हमारी जो हो गई, हमारे पेरेंट्स लिविंग टूगेदर, जो एक साथ रहते हैं, मतलब हमारे ये सारे फैमिली मेंबर एक साथ रहे, दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ हो और उनके बच्चे कजन्स और सिबलिंग्स, मतलब भाई बहन एक साथ रहे, वो ही हमारी क्या कहलाती है? ज्वाइंट फैमिली। फिर नेक्स्ट है हमारे व्हाई डू फैमिलीज मूव। अब आज की डेट में फैमिली एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रही है, क्यों जा रही है? क्यों न्यूक्लियर फैमिली में चेंज हो रही है? और इससे क्या होता है? फैमिली न्यूक्लियर हो जाती है, ज्वाइंट की जगह न्यूक्लियर बन जाती है। पहले सब इकट्ठे रहते थे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश आज की डेट में कोई हमें आज की डेट में क्या हो रहा है? लोग एक अपनी फैमिली से अलग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं अलग? ट्रांसफरेबल, जो पहले तो हमारी क्या थी कि हम आसपास कहीं जॉब ढूंढते थे, लेकिन आजकल जहां हम जॉब करते हैं वही ट्रांसफर कर देते हैं हमें दूसरी जगह पे, कि अब यहाँ पे काम नहीं चलेगा, दूसरी जगह चलेगा। तो लोग वहां अपने अपने गांव को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में और गाँव में चले जाते हैं। फिर है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब भी वही होता है, किसी का माइग्रेशन हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ काम फिनिश हो जाता है, मतलब ये होता है कि वहाँ काम बंद हो गया, अब दूसरी जगह जाना है तो वहाँ चले जाते हैं। इमिग्रेशन का मतलब भी वही, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, डेमोलिशन कर देते हैं, नेचुरल क्लाइमेट्स आ जाते हैं। हमारे नेचुरल क्लाइमेट्स में जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, ये चीज़ें आ जाती है, तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ जाता है, ठीक है। इसी कारण हमारी फैमिली मूव हो रही है और वो बड़े से छोटे में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली बहुत कम मिलेगी कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली हर जगह आजकल न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, कहीं भी, मतलब अगर एक स्थान है वहाँ पे आपके 10 घर हैं, तो 10 घर में से एक या दो ही घर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ज्वाइंट फैमिली रह रही हो, और सारी न्यूक्लियर फैमिली चलती है आज की डेट में, ठीक है। मतलब फैमिली पैटर्न चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, चेंजिंग फैमिली पैटर्न। फैमिली पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है? फैमिली पैटर्न है चेंज ड्यू टू द फैमिली पैटर्न चेंज ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। आजकल की न्यूक्लियर फैमिली की बहुत डिमांड्स हो रही है, मतलब लोग अपने घर से दूर रहना चाहते हैं, मतलब ये नहीं कि एक साथ रहें, नहीं, काम की वजह से। किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हाँ भाई वो काम की वजह से दूर रह रहा है, कोई अपनी मर्जी से दूर रहना शुरू कर देता है, तो ये सब कुछ मतलब एक ज्वाइंट फैमिली के टुकड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन दैट टाइम फैमिली मेंबर्स मीट ऑन स्पेशल ओकेजन एंड फेस्टिवल्स। इस टाइम में क्या हो रहा है फैमिली पैटर्न फैमिली में, कि लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह रहे, चलो कोई नहीं,
लेकिन आजकल के टाइम में वो मिल भी नहीं पा रहे एक दूसरे से, केवल जब फैमिली ओकेजन हो, किसी की शादी हो या बर्थडे पार्टी हो, कुछ मतलब ऐसा फंक्शन हुआ केवल तब, या फिर जब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली हुई, होली हुई, ये रक्षाबंधन हुई, तभी वो मिलते हैं, वरना वो मिलते भी नहीं है आपस में एक दूसरे से, केवल फोन पे। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी चल गई है, जैसे व्हाट्सअप हुआ, हमारा फेसबुक हुआ, और जैसे हमारा टेलीफोन रहा जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव चैट हो जाती है, लाइव वीडियो मतलब वीडियो कॉल हो जाती है हमारी, हम घर बैठे बैठे उसे, उसके कारण ही हमारी फैमिली का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। ठीक है, फिर हमारा सेल्फ सेल्फ रिलायंस इन वुमेन। अब हमें सेल्फ रिलायंस इन वुमेन, अब हमारा पहले क्या था, वुमेन्स, इसमें हमें वुमेन्स के बारे में पता चलेगा। पहले क्या था, वुमेन्स थी हमारी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, मतलब आगे उन्हें बढ़ने देते ही नहीं थे, केवल वो अपने घर के काम में ही रह जाती थी। क्या होता था उनका, क्या उनको एक चीज समझाया जाता था कि तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें घर में रहना है, बच्चों की देखभाल करनी है, और घर को देखना है, और घर का ही काम जो रहता है वो देखना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको एस जहाँ पे बॉयज हैं वहाँ पे गर्ल्स भी मिलेंगी। आज की डेट में गर्ल्स को बॉयज से पीछे नहीं समझा, गर्ल्स को बल्कि बॉयज से आगे ही माना है। ठीक है, आजकल लड़कियां लड़कों से आगे चल रही हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, दे हैव बीन अ चेंजिंग नॉट ओनली इन द फैमिली पैटर्न बट ऑल्सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। ये फैमिली पैटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं है, अब ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर भी फैमिली का चेंज हो रहा है, इसीलिए लड़की वुमेन्स को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे वुमेन हु यूज टू स्टे इंडोर एंड लुक आफ्टर द हाउस एंड चिल्ड्रन आर नाउ अब जो चल रहा है, अब क्या चल रहा है, एजुकेटेड हो गई हैं एंड दस सेल्फ रिलायंस, क्वालिफाइड, एजुकेटेड, ठीक है, स्मार्ट हो गई हैं, परफॉर्मिंग वेल, लड़कों से भी अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, लड़कियां लड़कों से अच्छा कर पाती हैं, स्मार्ट हो गई हैं, ठीक है, पढ़ने में मतलब लड़कों से ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं। जहाँ आज की डेट में कहीं कहीं ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर लड़के ना नहीं पहुँच पाए, लड़कियाँ उनसे पहले उन्होंने वो चीज़ कर ली, मतलब लड़कियों ने इतनी तरक्की कर ली है इस टाइम। पहले लड़कों को ही प्रेफरेंस मिलती थी, लेकिन अब लड़कियों को भी मिलती है, लड़कियों को भी एजुकेशन मिलती है, उन्हें भी एजुकेशन लेने का अधिकार दे दिया गया है। पहले क्या होता था, लड़की अपने घर के कामों में ही लगी रहती थी, केवल बच्चे देखती थी और अपने घर के वर्क में ही रहती थी कि उसे घर का काम करना है, घर से बाहर नहीं जाना, घर से बाहर का उसका कोई मतलब, पहले फैमिली में ही ऐसा होता था कि उसकी मेंटेलिटी पहले ही चेंज कर दी जाती थी कि लड़कियों को घर से बाहर कुछ नहीं देखना। लेकिन आज की डेट में लड़कियों को शुरू से ही उसके माँ बाप ये सिखाते हैं कि हाँ बेटा तुझे कुछ बनना है, पायलट बनना है या फिर कुछ बनना है, आज की डेट में लड़कियों को पहले ही सिखा दिया जाता है। तो लड़कियों की मेंटेलिटी शुरू से ही चेंज हो गई है। पहले क्या था, लड़की है नहीं बाहर नहीं जाएगी, तो लड़की की पहले मेंटेलिटी ऐसी थी, अब लड़कियों की शुरू से ही मेंटेलिटी चेंज हो रही है, वो अपने आप आत्मविश्वास भी रखने लगी है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, पहले उनमें आत्मविश्वास नहीं था, माँ बाप ही खो देते थे उनका आत्मविश्वास, लेकिन अब पहले ही माँ बाप उत्साहित करते हैं कि हाँ बेटा तुम ये करो। ठीक है, ये हमारे कुछ चेंज हो गए हैं अब वुमेन्स की लाइफ में। ठीक है, ये आपका लेसन था, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, कुछ एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चन मान लो इन्हें, ठीक है, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में ही था ये आपको याद करना है कि उनमें क्या चेंज आया, क्या चेंजमेंट हुई फैमिली पैटर्न में, क्यों ट्रांसफर हुई वो, मतलब वाई फैमिली मूव क्यों हो जाती है, फैमिली क्या होती है, फैमिली के पार्ट क्या है, ये आपका रिवीजन है। ठीक है, ये आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ये मैंने दोबारा आपको एक बार ये लेसन समझा दिया अच्छे से, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिए थे, पहले बुक वर्क भी हो गया था, क्वेश्चन आंसर भी हो गया था, अभी मैंने लेसन आपको दोबारा रीड करा दिया, अब आपको क्या करना है, इसे याद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।